सो गाइस कैसे हैं आप सब लोग, मैं हूं पीजे द व्लॉगर और आज हम जा रहे हैं पिकनिक बनाने और मैं हूं इन कोलैबोरेशन विद रोहित के साथ। तो गाइस रोहित हमारे साथ लास्ट टाइम मेरे व्लॉग में था, आप लोगों ने देखा था, और आज हमारे साथ हैं हमारे किंग मेंबर जिनका नाम है लामा राय, जिनको मैं रिसेंटली आपको दिखाने वाला हूं, द वाइट मैन। और जैसे कि हमने आपको वादा किया था कि लास्ट व्लॉग में उन्हें लेके आएंगे और इस बार वो आ रहे हैं हमारे साथ पिकनिक बनाने और हम जा रहे हैं डूंगा, एक सीक्रेट जगह है जहाँ पे सिर्फ अरे लोकेशन नहीं बता दी यार। ओके ठीक है, लोकेशन नहीं बताते गाइस, बीप कर देंगे इस चीज को। तो गाइस उस जगह में हम जाने वाले हैं, वो सीक्रेट लोकेशन सिर्फ लामा राय को पता है, तो आपको अभी लेके चलते हैं वहीं पे सीधे। तो गाइस यहां पे हो रही है कड़कती धूप, कड़कती धूप में हम लोग खड़े हैं और टाइम हो रहा है, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं टाइम अभी हो रहा है 1:35 और हम लोग जा रहे हैं आज चिकन पार्टी बनाने। और जैसा कि लामा राय हमारे गेस्ट, द मेन शूटर, द मेन शार्प शूटर ऑफ द व्लॉग, द वाइट मैन। अबे हेलो हाय तो बोलो व्लॉगर्स को, सब्सक्राइबर्स को, देखने के लोग तरस रहे हैं। पंकज को सब्सक्राइब करना, 2 million फॉलोवर्स तो चाहिए इसके, 10M चाहिए मुझे 1 महीने अंदर। और ये नया मेंबर है हमारे और इनका नाम है तरुण तात्रिया, इनके घर से सारा सामान उठा लिया हमने, घर से सारा सामान उठा चुके हैं, तात्रिया इनका नाम है। और थैंक यू न्यू व्लॉग में एंट्री, तो अभी फटाफट से निकलते हैं यहाँ से और आपको मिलते हैं सीधा अपनी लोकेशन पे। हाँ भाई क्या कह रहे, तो गाइस अभी हम लोग निकलने वाले हैं और हम लोग यहाँ से जस्ट निकलना शुरू हो गए हैं और ये चल रही है अभी आगे और ये हमें गाइड करने वाले लामा दाई। तो लामा दाई कहाँ चलना है आज? आज चलते हैं डूंगा की तरफ नदियों में और सीक्रेट जगह था, सीक्रेट जगह यार, बीप 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 बीप। सामान वो सोनू की दुकान से लेते हैं सामान, हाँ चल नीचे से ना, प्रमोशन कर दिया। चले फिर सोनू की दुकान से, सोनू भाई की रीच बढ़ जाएगी, सोनू भाई की नीच, सोनू भाई नीच है, रीच नीच। सब्जी बॉय हमारे, तो हम यहाँ से सब्जी लेने वाले हैं सारी की सारी, फ्रेश फ्रेश वेजिटेबल्स और सब महंगे रेट में मिलती है यहाँ पे। ठीक तो है, ये हमने लिए प्याज, तो लामा कितने प्याज ले रहे हो आप? चार। अरे चार प्याज में क्या होगा मेरे भाई, सैलड भी तो बनाना है भाई, घर थोड़े बसा रहे हैं वहाँ पे। क्या चाहिए? वाटरमेलन भी चाहिए? अबे घर बसाने जा रहे हैं हम लोग, पपीता भी ले लो जरा, खाने में तो बचेगा, ये भी कट सकते हो। अबे यार पपीता भी लेना है, क्या कह रहे भाई? बैगन भी ले आते हैं, भरता बना लेंगे। नहीं नहीं भरता नहीं बनाना भाई, भरता नहीं बनाना भाई, सुनसान जगह में जा रहे हो, अकेला बैगन लेके। हरी मिर्च थोड़ी झटके डालना है यार, दवा के खाना मिर्च, एक एक डुबकी मारना भाई, सबका रॉकेट बन जाएगा कि ज्यादा मिर्च खाओगे सब। और भाई ने पता भी नहीं धनिया दिया चपक, जिसे हम खाएंगे बढ़िया करके, फ्रेश धनिया दिया भाई ने। तो गाइस अब हम सब्जी लेके निकल चुके हैं, देखिए गाइस अब हम पहुंच गए हैं एक के अबे ये नहीं करना रिकॉर्ड, इंग्लिश वाइन शॉप, अबे ये रिकॉर्ड नहीं करना भाई गाइस, तो एनर्जी ड्रिंक लेने आए हैं, एनर्जी लेने आ रहे हैं, रेड बुल, रेड बुल भाई, मैं ये सब नहीं पीता भाई, मैं ये सब रेड बुल गिव्स यू विंग्स, रेड बुल भाई, राम राम, फैन बॉलिंग दे रहा है। अरे यार पानी उठा लो यार, ठंडा पानी, वहाँ से पानी कोई भी ये भी ले आएगा पैक बनाने के लिए, पता नहीं चलेगा, पानी बहुत जरूरी है यहाँ, बड़ी भीख मांग रहा हूँ, सारा चन्ना इसी में ये भर के जाना, दारू पीना भाई, देखो भाई धंधा दे दो, ₹500। तो गाइस अभी हम लोग निकल चुके हैं सामने जो सीधी रोड निकली है, हम गांव के बीच से होते हुए हैं और ये गांव वाला एरिया है, तो बेसिकली हम लोग डूंगा वाला इलाका में हैं, डूंगा वाला इलाका जो आपके पेट्रोलियम को रास्ता जाता है उस रास्ते से निकल पाए हैं। देखिए गाइस फुल नेचुरल चीज अभी आई है, कुछ नेचुरल नहीं है इसमें, सब केमिकल है, जूस पीते पीते चल रहे हैं आप, राइस जूस। अभी हम लोग जा रहे हैं आगे की तरफ और मैं और तात्रिया साथ में हैं और हमने अभी लिया चावल, और जैसा कि रास्ते में लोग चल रहे हैं और इस रास्ते में काफ़ी यू नो हरियाली है और रास्ता जैसे कि आप लोग देख सकते हैं ऐसा है बहुत।
तो गाइस देखो भैया ने टी शर्ट भी पहन रखी माउंटेन एक्सप्लोरर, मैं दिखाता हूँ उनको। Mountain explorer, guys. Mountain explorer. So we are going outside on this location. This is a very beautiful jungle. Have you seen Jumanji the movie? So this is Jumanji 3. We are going to explore. Jumanji वाला. Jumanji 3, buddy. जैसे कि location आपको दिख रहा है और थोड़ा सा दूर पड़ता है देहरादून के main area से, लेकिन आपको मजा आएगा यहाँ पे क्योंकि देखो ये आपको location मिलने वाला है, guys. देख रहे हो क्या beautiful जगह है। तो आज हम explore करने वाले, क्योंकि vlog बड़ी होने वाली, guys. क्योंकि अभी मैं आपको कुकिंग, फिर हम ट्रैकिंग दिखाने वाले हैं, जंगल का ट्रैकिंग कैसे होने वाला है, और इस एरिया को रोहित कैसा लग रहा है एरिया? एरिया अभी तक तो बढ़िया था, अब कैसा है? अब जो मेन लोकेशन है उसका बताइए कैसा है। फर्स्ट मतलब फर्स्ट क्वालिटी क्या लगी एरिया देख के? साफ सुथरा है, बढ़िया है, हरियाली है, हवा चल रही है, मस्त खुशबू आ रही है पेड़ों की, पौधों की। तो गाइस अब हम पहुंचने वाले हैं, क्या कहते दोबारा बोलो। तो आगे दिखाएंगे तुमको द रॉक। ओ भाई साहब लोकेशन देखो गाइस, एरिया बहुत डेंजर है, रास्ता भी बड़ा गंदा सा है, थोड़ा संभल के चलना पड़ेगा भाई। वाह यार गाइस, वो नीचे पूरी नदी है, वो मैगी पॉइंट है। क्या है वो? देखो हम जा वैष्णो देवी पहुंच चुके हैं, ठीक है, और यहाँ से भाई कटरा हम पहुंच चुके हैं, देहरादून से कटरा। अब यहाँ से हम पैदल मार्च करेंगे कटरे के लिए। वो है वैष्णो देवी। चलो यार जय माता दी, धनकट धनकट धनकटारी, जय माता की, धनकट जोर से बोलो, जय माता की, धनकट जय माता की, धनकट जय माता। चलो भाई। सो गाइस गंगा का अमेजिंग लोकेशन वो देखो गाइस, हरियाली वादियाँ, और वहाँ पे हम लोग ऊपर टॉप पे जाने वाले हैं, मजाक कर रहा हूँ, हम वहाँ नहीं जाने वाले, वहाँ जाते हैं तो 10 घंटे लग जाएंगे। तो गाइस ये कुछ यूनिक सी जगह है, पहली बार मैं आया इस जगह पे, और वाकई में बहुत खूबसूरत जगह है ये। और यहाँ पे अगर आएंगे तो अच्छी बाइक लेके आएँ, क्योंकि हाँ तो आप नॉर्मल बाइक में भी सकते हो, लेकिन यहाँ की रोड थोड़ी ख़राब है। तो सो गाइस कुछ इस तरीके की लोकेशन पर हम लोग आए हैं, और आप लोग सामने देख सकते हैं, और सबने अपनी स्कूटी लगाई, गाड़ी लगाई, और यहाँ पे जो लैंड दिख रहा है आपको सामने गाइस, पूरा टेढ़ा पड़ा हुआ है, देख रहे हो, तो ये ऊपर से लैंड स्लाइड हुई है, और नदी है, पहाड़ की नदी आती है यहाँ से, इस एरिया से, और कुछ ऐसा एरिया है डूंगा का। और ये अपनी ब्लॉगिंग चालू कर रखी है इसने। हाय गाइस, हेलो गाइस, और ये हलामा दाई हमारे, हमारे कैसे लग रहे हैं यहाँ पे आके? यार 2017 को लास्ट टाइम मैं इधर पे आया था, ज़्यादा तो नहीं मैंने देखा, कुछ चेंजेस ये देखे कि बस कंस्ट्रक्शन काफ़ी हो रखे, बाकी थोड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर में यहाँ पे काम हो रहा है। नदी वैसी की वैसी सूखी हुई, तिरछी नदी मुझे बहुत पसंद है। तो थोड़े सा आगे जाके 15-20 मिनट वॉकिंग हमारी ट्रैकिंग होगी, और हमें नदी का दर्शन होगा, नदी का दर्शन होने वाला है भाई, अभी नदी का दर्शन हम करने वाले हैं। सो गाइस कुछ इस तरीके की लोकेशन में भी हम लोग हैं, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, और मैं जा रहा हूँ नीचे की तरफ, ये लोग निकल चुके हैं, थोड़ा देख के चलना पड़ेगा क्योंकि जंगल का रास्ता है, और कुछ इस तरीके के रास्ते में हम लोग जा रहे हैं। और मैंने जूता आज गलत पहन लिया, मुझे ये जूता गलत मतलब गलत ही पहन लिया मैंने जूता, क्योंकि यहाँ ट्रैकिंग है और ट्रैकिंग के लिए जूता अच्छा चाहिए था। सो गाइस कुछ इस जगह में हूँ मैं अभी, मेरी मम्मी जब ये ब्लॉग को देखेगी तो बोलेगी गलत जगह घूम रहे हो तुम लोग, ये है वो है, तुम्हें चैन नहीं है भाई। ब्लॉग बनाने के लिए, कंटेंट बनाने के लिए करना पड़ता है यार, क्या करें। और जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि एरिया कुछ ऐसा है, और थोड़ा देख के चलना पड़ रहा है भाई यहाँ पे ना। तो गाइस कुछ इस तरीके के रास्ते से आया अभी ऊपर को, इस रास्ते से निकला भाई, देख रहे हो ऐसे रास्ते पर, अभी लोग मुझे बुला रहे हैं नीचे, और आ रहा हूँ, और ये लोग चिल्ला रहे हैं आ जाओ आ जाओ। तो गाइस कुछ इस तरीके के एरिया में अभी हम आ चुके हैं, तो ढलान वाला रास्ता तो याद है आपको, वहाँ से अभी हम आए हैं, और ये रहता आत्री एंड कंपनी। तो भाई यहाँ से भी नदी की तरफ चलना है, टाइम बज गया है 3, यहाँ गाय माता यहाँ पे घास खा रही हैं, जय हो गाय माता। और ये जा रहे हैं हम लोग इस रास्ते से, तो भाई प्योर जंगल, प्योर एक्सप्लोरिंग, सो वी आर एक्सप्लोरिंग दिस प्लेस। और आगे मेरी गैंग टीम मेंबर्स, रोहित यार जैकेट मेरे जेब में डाल देगा, बैग में डाल दे यार, अरे यार मुझे लगा गर्मी होगी भाई, जगह तो मस्त है यार, क्या जगह है यार, लोकेशन बरसाती नदी का ऐसी है, बहुत भयंकर। हाँ दो मिनट वजह से बंद कर यार कैमरा, छोड़ो यार मैं बोलूँगा। तो अभी आपका नया होस्ट आ गया है, आपका जो
ओरिजिनल होस्ट है वो अभी अपने रुको यार कपड़े उतारने दो यार कपड़े नहीं यार कपड़े नहीं उतार रहे जैकेट उतार जैकेट उतार रहे गर्मी लग गई है गर्मी लग गई है भाई तो, फाका लग गया फाका पहाड़ी में सांस चढ़ने को फाका बोलते हैं अरे जो भी लग गया सब लग गया इनको फाका लग गया झाका लग गया सब लग गया भैया ईजा गाली देगी कहाँ जंगलों में गए थे तुम इतनी गंदी जगह नहीं होता तो दोनों तरफ है तो गाइस रोहित और मैं वापस आ चुके हैं अपनी ब्लॉगिंग स्ट्रेटजी इस्तेमाल करते हुए सब्सक्राइबर बढ़ाने भाई कैसे भी करके किसका हाउस ये है जीपर्स क्रीपर्स आपने देखा होगा जीपर्स क्रीपर्स मूवी इंग्लिश मूवी हॉरर मूवी है अच्छा तो यही है वो घर जहाँ पे वो मुर्दाखोर मुर्दा जमा करता है वो ये देखो भाई डीपर्स क्रीपर्स का हाउस है आज तो जीपर्स क्रीपर्स मेरे हाथ से गया नहीं आज उसी का मीट खाऊंगा आज मैं आओ से मार के खा के तल के आ का जीपर्स क्रीपर्स लास्ट लटका रखी गई है भाई साहब तो यहाँ पे ऑर्गेनिक खाद बनी हुई है लोग रहते हैं यहाँ पे तो गाइस बुरा हो चुका है गर्मी से यार पसीने से और सच में बहुत ज़्यादा बुरा हाल और मज़ा भी आ रहा है लेकिन ठंडी ठंडी हवा चल रही है गाइस यहाँ पे और भाई लोकेशन बहुत डेंजर है यार ये और यहाँ तो बहुत सारे लोग आ रखे हैं यार हमें लगा हमें यहाँ दूर दूर तक लोग ही लोग दिख रहे हैं पानी मिलेगा ऊपर जाते होगा तो यहाँ पे पानी है और जस्ट अभी पानी के पास पहुँचे हम लोग और सूखी नदी थी मुझे लगा था यहाँ पे पानी होगा नहीं लेकिन सब कह रहे हैं गहरा पानी है यहाँ पे और काफ़ी लोग आ रहे हैं यहाँ पे एक्सप्लोर करने के लिए हमें लगा था हम ही आ रहे हैं लेकिन बहुत लोग हैं यहाँ पे भाई और कौन सा रास्ता है आज गर्मी काली होने वाली है मुझे लग रहा है जिस हिसाब से खड़ी चढ़ाई कह रहे हैं लोग चढ़ाई वहाँ पे भी है जाते हुए और चलते हुए भाई हालत बुरी हो गई इज वेरी फार भाई बहुत दूर है लेकिन मैं पहुंच जाऊंगा कैसे रहा कैसे करके दूर पास नहीं करना मेरा भाई गाड़ी से आए क्या फायदा गाड़ी से क्या उसमें मजा देखिए पर ट्रैकिंग के कपड़े भी तो होने चाहिए ट्रैकिंग के कपड़े नहीं है छोड़ो ना यार वैस मुंह धोना है मुंह धोना पड़ेगा भाई बहुत बुरी हालत हो गई पसीने से और जो पानी बहुत ज़्यादा साफ़ है आपको दिखाता हूँ पानी की क्लियरिटी देखो वैस इतना साफ पानी कितना दूर है भाई यहाँ से पानी का और आधा किलोमीटर भी नहीं होगा आधा किलोमीटर नहीं होगा नहीं होगा है, तो भाई लोग बता रहे आधा किलोमीटर नहीं होगा आधा किलोमीटर बता रहे मेरे न्यू सब्सक्राइबर है तीनों पीजे द ब्लॉगर कैपिटल में सारा और यहाँ से नीचे मछलियाँ भी हैं छोटी छोटी मछलियाँ देखो कैसे भाग रही है देख रहे हो तो आप लोग देख सकते हैं भाई लोगों हम लोग डाइट ढूंढ रहे थे मटन की दुकान में और यहाँ तो डाइट ही डाइट है दिखा दो जरा एक तरफ कैमरा वो देखो इस तरीके का डाइट है कुछ दोस्त लाइव स्टॉक कलर की डाइट है लाइव स्टॉक घूम रहे हैं यहाँ पे हर मौसम की डाइट है देखिए संडे मंडे ट्यूजडे वनडे थर्सडे फ्राइडे से लेकर जनवरी टू दिसंबर तक सबका डाइट लाए सारे डाइट यहाँ घूम रही है देखो प्योर डाइट प्योर डाइट हाँ होगा तो प्योर यार ये यार ये पहाड़ी बकरे वैसे ये प्योर बकरों को कभी लग रही है जिंदा कभी देखा नहीं होगा उन्होंने मटन शॉप में देखा होगा लेकिन हम आपको दिखाएंगे जिंदा लाइव जिंदा बकरा कैसा होता है दिखने में ये देखिए देखिए आपने मटन देखा होगा फोटो में देखा होगा डिस्कवरी चैनल में देखा होगा या मटन की दुकान में एक बात बताओ ये बकरे जो हैं कितने के होंगे सारे के सारे 20 लाख के हैं भाई टोटल हाँ टोटल ये तो होंगे 5 लाख के करीब तो भाई 20 लाख रुपए ज्यादा बोल दिया रोहित ने 20 लाख नहीं 5 लाख के बकरे हैं भाई तो ये पहाड़ी बकरे हैं पूरे प्योर कहाँ कौन से पहाड़ गए हैं ये बकरे यहीं के आप यहीं पे रहते हो क्या रास्ते में नीचे घर था ना इधर इधर हमारा अच्छा अच्छा चलो अच्छा लगा मिलके क्या नाम है आपका भाई जी मेरा नाम रविंदर सिंह रविंदर जी का बकरे हैं भाई बहुत सारे बकरे तो पहाड़ी बकरे आपको डूंगा में अगर चाहिए तो डूंगा में अगर पहाड़ी बकरे चाहिए तो भाई को कांटेक्ट करो 5 लाख के बकरे थे एक बकरा आपको भाई दे देंगे अच्छे खासे पैसे में है कि नहीं भैया ठीक है सो गाइस चलते चलते बहुत हालत ख़राब हो गई है और जिस तरीके के हम लोग लोकेशन में हैं और तात्रिया कुछ कहना चाहेंगे इस लोकेशन के बारे में आप
बहुत अच्छी लोकेशन है। तो तरुण अभी शायद अपने मूड में नहीं है, इसलिए तरुण ज़्यादा बोल नहीं रहा है। और ये लोग कह रहे हैं कि इस जगह में आगे चलते हैं थोड़ा सा और, ये ऊपर चढ़ाई से ठीक है, थोड़ा सा आगे चलते हैं यार, यहाँ गंदा सला है, थोड़ा सा और आ गया राजा। अब आए हैं तो इतने दूर बावड़ा थोड़ी ना आना है। सो गाइस आ चुके हैं हम लोग अपनी लोकेशन पे और काफ़ी दूर जंगलों में भाई, बहुत ज़्यादा दूर है ना। यहाँ पे भी लोग आ चुके हैं यार इस जंगल के बीच में, सोच रहे हो, मतलब डूंगा का जंगल है भाई, डूंगा फॉरेस्ट का मेन जंगल है यहाँ पे, और यहीं के लोकल है शायद वो लोग, तो इस वजह से वो लोग यहाँ पे हैं। और शांति बहुत है, ठंडा बहुत है भाई, सबसे बड़ी बात जो गीला हुआ है ना बॉडी वो अभी ड्राई हो जाएगा और फिर ठंडा लगेगा हमें, मस्त मज़ा आएगा। तो रोहित यहाँ पोस्ट बना के बैठा हुआ है, तो रोहित कैसा लग रहा है? सही लग रहा है, बढ़िया लग रहा है। कैसा लग रहा है हमारा दूसरा व्लॉग एडवेंचर? मज़ा आ रहा है, सुकून, नई नई जगह देखने को मिल रही है। जैसे कि हमने आपको पिछले व्लॉग में बताया था कि हम ऐसी चीज़ें लाने वाले हैं आपको दिखाने के लिए, तो इसलिए सब्सक्राइब वगैरह कर लिया करो यार, थोड़ा हमें भी मोटिवेशन मिलता है। कितना पैसा खर्च होता है वो भी तो बताओ। वो तो ठीक है बट कर लिया करो यार, एक जब देखते हो तो सब्सक्राइब कर लिया, क्योंकि जब हम एनालिटिक्स देखते हैं तो उसमें अपने सब्सक्राइबर जो होते हैं वही कम रहते हैं और बाकी जो रहते हैं वो देखने वाले ज़्यादा रहते हैं, जिन्होंने अनसब्सक्राइब किया होता है, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया होता। ओके, तो गाइस जैसे कि आप लोग अभी देख रहे हैं हम लोग इस तरीके की जगह भी एक्सप्लोर कर रहे हैं इस्लामाबाद, और आगे भाई जंगल में वहाँ पे और आग लगी हुई है भाई, वहाँ तो बढ़िया और रखा और प्रोग्राम। सो गाइस जैसे कि अभी आप लोग देख रहे हैं कि हम लोग इस जगह पे थे और यहाँ जगह मुझे मज़ा नहीं आया, तो मैं सोच रहा हूँ कि आगे चलते हैं थोड़ा और बढ़िया लोकेशन, क्योंकि मैं लड़कों से पूछ के आया हूँ आगे जाके कि लोकेशन कैसी है आगे, तो उन्होंने मुझे बताया कि लोकेशन बहुत बढ़िया है, तो भाई हम लोग आगे जा रहे हैं, अब वो जगह एक्सप्लोर करेंगे और वो जगह आपको दिखाता हूँ कि कैसी है कि नहीं रोहित? बढ़िया, चलो आगे। तो अभी हमने सोचा तो था यहीं पर बैठेंगे बट अब हम लोग सब लोग कन्विंस हो ही चुके हैं, क्योंकि कन्विंस हो ही चुके हैं कि हम आगे जाएंगे, तो 10-12 मिनट और चलना है और फिर उसके बाद देखेंगे कहाँ पे अपना स्पॉट बनाते हैं। तो तरुण का मूड बहुत ख़राब है, क्योंकि तरुण को हम लोग दाल चावल खाते हुए उठाते हुए उठा के लाए हैं और तरुण का मूड ख़राब है। तरुण मूड ख़राब हो गया चल चल के तरुण का, और मैं तो भाई देहरादून से आ रखा हूँ, फिर भी हम रो नहीं रहे हैं। और ये देख रहे हो गाइस नदी और यहाँ का माहौल, पिकनिक की पार्टी चल रही है। तो गाइस जैसे कि आप लोग देख सकते हैं हम लोग अभी कुछ इस तरीके के लोकेशन में आए हैं, और आगे देख के चल के मैं थक गया, और काफ़ी जगह देखने के बाद मैंने ये जगह फाइनल की है, आप लोगों को दिखाता हूँ कुछ इस तरीके की जगह। और लामादाई लकड़ियाँ तोड़ना शुरू कर दी हैं, पता नहीं कहाँ से लकड़ियाँ लेके आए, और तरुण ने भी काम चालू कर दिया, और यहाँ पे हमारे ये पूल है हमारा नेचुरल। तो गाइस लकड़ी तोड़ने का प्रोग्राम चालू कर दिया है, और लामादाई ने पत्थर से लकड़ियाँ तोड़ने वाले हैं, पत्थर पटका के, क्योंकि वो बहुत मोटा तहना है जो कि टूटेगा नहीं। गाइस अभी चिकन धो दिया है, मक्खियाँ भी आना शुरू हो गई हैं, और मक्खियाँ साली हर जगह पहुँच जाती हैं यार, पता नहीं कहाँ से आती हैं मक्खियाँ, इतनी लगता है हमारा बहुत देर से कहा मक्खियों के घर में हमारे के, और बताओ हमें उन मक्खियों के रहे कहाँ से आ जाती हैं भाई। चिकन धो दिया हमने, साफ करके क्लीन कर दिया, जैसे आप लोग देख सकते हैं एकदम क्लीन हो चुका है चिकन, तो गाइस हमारा रास्ते में पक ही गया था, आधा पक चुका है, तो हम ढकने वाले हैं अभी थाली से, ढक देते हैं थाली से यार इसको, काटना है तो चाकू है, चाकू येरा कातिल, आज तो कोई ना कोई भाजी, ये तो वो बन गया, तो कहता हूँ क्लिक बेट कि आज धोते हुए दिखा लिया निकला साफ, धोते हुए साफ निकल गया अपना बाहर, भाई बता करना स्टार्ट करो मेरे भाई, क्या लड़ाई हो गई, क्या महंगा चाकू उठा लिया, बस चाकू उठाओ बोला तो चाकू उठा के रख लिया, तो बोले कम से कम 45 मिनट लेट करे भाई तुमने, धनिया टमाटर ये साफ उठा देता हूँ, टमाटर को अलग रख देता हूँ, चिंगारी निकलती है, सही बात है, चिंगारी निकलनी चाहिए मेरे भाई, चिंगारी नहीं चीखे निकल रही, क्या बात चिंगारी के लिए चीखे निकल रहे, तो भाई अभी कर रहे हैं शॉपिंग, तो इन्हें हमने हेड शेफ रखा हुआ है आज, आज के हेड शेफ हमेशा मैं बनाता हूँ भाई, यहाँ टमाटर है गाइस, मैं तो काम कर नहीं सकता, क्यों, क्योंकि इन्होंने मुझे व्लॉग बनाने के लिए बोल रहा था, कैमरा पकड़ा दिया, तो मैं काम कैसे करूँ, एक एक बारी में एक ही काम हो सकता है भाई, काट रहे हैं टमाटर, अब कटेगा टमाटर, प्याज कट चुके हैं और चिकन हमारे पास, चिकन हमारे पास चाकू एक ही है, तो फिर सारा काम इन्हीं को करना पड़ रहा है शॉपिंग वाला, और शॉपिंग मुझे अपनी पसंद है, क्योंकि ये लोग मोटी शॉपिंग करते हैं और मोटी शॉपिंग में मुझे मज़ा नहीं आता, क्योंकि
पकता नहीं है सही से, और पकाना मुझे जल्दी है क्योंकि टाइम कम है। एक घंटे के अंदर में चावल भी पकाना है, खाना भी खाना है और निकलना भी है। गाइस अब काट रहे हैं मिर्ची और मेरे ट्राइसेप्स आप देख सकते हैं, कल ही मैंने ट्राइसेप्स एक्सटेंशन मारा है, रोप एक्सटेंशन मारा है, वी एक्सटेंशन मारा है और हाइपर एक्सटेंशन नहीं मारा मैंने, हाइपर एक्सटेंशन भी मारा था बैक का कैटल बेल के साथ। सो गाइस प्रिपरेशन चालू है, तेल डाल चुके हैं। क्या बल चुके खड़े मसाले और पसीने से बुरी हालत हो गई है, उमस हो गई है बहुत ज़्यादा। फोन निकालो जरा जेब से भाई, तो अभी लकड़ी तोड़ रहे हैं क्योंकि इस आग में पकने वाला है नहीं। फोन कैसे होता है, अच्छा नमक लेके आया हूँ। तो मैं आप देख रहे थे ये सब ब्लॉगर यहाँ पे प्याज डालते हुए बड़े चाव से एकदम इंटरेस्ट के साथ, चिकन के लिए प्याज डालते हुए देखिए मिर्ची डालते हुए बर्तन खाली किया, आग भी बढ़िया सेट हो रही है। ये 1.5 किलो बन रहा है इसमें चिकन, सरसों का तेल प्यार से डाला जा रहा है। बड़ी नहीं चाहिए आग पूरी ना, तब आएगा मज़ा। तो गाइस अभी प्याज भुनेंगे, मिर्च भुनेंगे और इसके बाद डलेगा इसमें टमाटर और जिंजर गार्लिक पेस्ट। तो गाइस जैसा कि अभी हम लोग प्याज भून रहे हैं और जो चूल्हा है बहुत अनस्टेबल है और इस वजह से अब हम लोग प्याज भून रहे हैं, प्याज और मसाला जो है वो भून रहे हैं और इस तरफ से चूल्हा जरा अनस्टेबल है लेकिन हाँ ये नॉर्मल इतना है। इसके ऊपर इसके लेवल का लगा दूँ इसकी हाइट का, ये हो गया ला दूसरा दियो रोई तो पता लगा ही तुम्हारा। टाइम कम होने के कारण पहले तो हम सोच रहे थे कि अलग अलग दाल बोलता हूँ, अलग अलग चावल और चिकन बनाए। हाँ डाल दिया, बट अब टाइम की कमी होने के कारण अब इसे बिरयानी टाइप से बनाएंगे, इसी में चावल डालेंगे और बढ़िया भून देंगे सारा। पहले से भुनेंगे अच्छे से, अभी आग जाने में भी हमने दोबारा सब कुछ चूल्हा सेटअप किया क्योंकि जो पहले से यहाँ पे चूल्हा बना हुआ था वो बहुत बेकार बना हुआ था। सो गाइस टाइम हो रहा है अभी अराउंड 6 बज चुके हैं शाम के, एक्चुअली चूल्हा ने बहुत दिक्कत करा और लकड़ियों की बहुत दिक्कत थी यहाँ पे, तो इस वजह से काफ़ी टाइम लग गया बनाने में। और भाई लोग पानी पी रहे हैं, काफ़ी दूर से पानी लेके आए हैं चूल्हा सेट कर, और चूल्हा सेट करने वाला आदमी ये रहा रोहित जिसने चूल्हा बनाया। तो गाइस अभी ये खाना हम लोग बांट रहे हैं, ये हमारी बिरयानी रेडी हो चुकी है और ये खाना बटेगा भी थालियों में बराबर करके हम लोग खाएंगे और उसके बाद हम निकल जाएंगे घर। सब्सक्राइबर्स को बोलते हैं बाय टाटा, ये अपनी ब्लॉग तो देख रहा है। सब्सक्राइबर्स एक चीज़ आपसे बोलना चाहूँगा कि हमें आप जब देखते हो तो हमें सब्सक्राइब भी कर लिया करो, लाइक कर लिया करो, कमेंट कर लिया करो, जो भी आपको अच्छा लगा या जो आपको ऐसा लगा कि हमें सुधारने चाहिए जी ब्लॉग वगैरह वो भी बता दिया करो क्योंकि क्या होगा उसको हम अप्लाई करेंगे आगे और अपना ब्लॉग अच्छा बनाने की कोशिश करेंगे। सो गाइस भाई ने जैसा बोला है चैनल को लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब करो, तो लामा राई कुछ बोलना चाहोगे सब्सक्राइबर्स को? और देखो भैया मैं धमकी मत समझना, सब्सक्राइब कर दो इसे बता रहा हूँ मैं। तो तरुण लास्ट फाइनल तरुण छुप रहा है, तो भाई तरुण थाली धो रहा है क्योंकि थाली धो के हम लोग खाना खाने वाले हैं। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में ऐसी किसी बढ़िया जगह पे, लोकेशन पे, हिडन प्लेस पे। तो गाइज बाय 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 बाय।